वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रीट का कथित पेपर लीक मामला है। हाईकोर्ट में आपको बता दें इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है। मधु कुमारी नागर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर। इसमें एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। मधु कुमारी नागर की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है परीक्षा रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट में आपको बता दें मधु कुमारी नागर की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। देखते हैं इस याचिका को हाईकोर्ट किस तरीके से लेता है, इस पर क्या कुछ अपडेट रहेगी, क्या कुछ देखने को आगे मिलता है। बहरहाल रीट का जो कथित पेपर लीक मामला है उसको लेकर मामला बहुत आगे चला गया। इसको लेकर एक याचिका खास तौर से हाईकोर्ट में पेश की गई है। इससे पहले आपको याद दिला दें, चाहे सतीश पुनिया हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, उन लोगों ने भी सीबीआई जांच की मांग सरकार से की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश पारिक जुड़े हैं। महेश, क्या है इस याचिका में? देखिए, मधु कुमारी नागर ने याचिका पेश की हाईकोर्ट में, एडवोकेट राम प्रताप सैनिम की जरिए याचिका पेश हुई, जिसमें एक आ गया कि क्योंकि जो पेपर था वो परीक्षा से पूर्व ढाई घंटे पूर्व ही बाजार में आ गया था, आंसर की भी आ गई थी, ऐसे में जो है इसे पेपर लीक माना जाए, मामले की सीबीआई जांच की जाए तथा जो एग्जाम हो गया है उसे रद्द करते हुए नए सिरे से दोबारा एग्जाम किया जाए। जी महेश, क्या याचिका को एक्सेप्ट किया गया है? देखिए, याचिका आज पेश हो गई, रजिस्ट्री में पेश हो गई, हालांकि इसमें अगली सुनवाई कब होगी इसकी डेट नहीं आई है, लेकिन अब आज शाम तक या कल सुबह तक इसमें डेट आ जाएगी कि कब सुनवाई की जाएगी। 7 तारीख तक जो है कोर्ट फंक्शन है, 7 के बाद करीबन 7-8 दिन की और छुट्टी आ रही है, तो या तो 7 तारीख पहले सुनवाई होगी नहीं फिर 20 अक्टूबर के बाद में सुनवाई होगी। चलिए देखते हैं महेश आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए आप तक। कुल मिलाकर आपको बता दें रीट कथित पेपर लीक मामले को लेकर अब हाई कोर्ट तक मामला पहुंचता हुआ दिख रहा है। एक याचिका इसको निरस्त करने की मांग को लेकर लगाई गई है, सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी याचिका लगाई गई। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय